देखो बेटा, मुझे तो तुम पे पूरा विश्वास है कि तुम पूरी शिद्दत, पूरी मेहनत और सच्चाई के साथ अपने पापा को इंसाफ दिलाओगे और उन्हें इंसाफ मिलना भी चाहिए। तुम्हारी इस जंग में मैं पूरी तरह से तुम्हारे साथ हूँ। मैं जानता हूँ बेटा, तुमने अपने पापा को खोया है और पूरी दुनिया में कोई उनकी जगह नहीं ले सकता। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि तुम्हारा ये पापा हमेशा तुम्हारे साथ था और हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। बहू नहीं, बेटी माना है तुम्हें, और ये रिश्ता कभी बदलेगा नहीं। सचना है, मारा छोरा शहीद हुआ है। ये सब झूठ है कि उसकी हत्या हुई है। मारा छोरा शहीद हुआ है। ना बाजी, मैं सही कह रही हूँ अम्मा जी। ये बंबन ने समझ में आ रहा है, उसे रात को क्या हुआ था? तेरे पापा घर तक तो आए थे, लेकिन घर के अंदर क्यों ना आए? चाय भी बाहर मंगवाई, मेरे से मिलकर भी ना कर ऐसे मिलते। वो तो दुनिया में संभाल अपने आप ने पानी पी। वो मेरे पास ना आ सके तो मैं उनके पास जा सकती थी ना। मैं क्यों ना गई उनके पास, क्यों ना जाकर उन्हें देखा? मैं देखती तो कुछ मैं शांत हो जाऊंगा। जा, तेरे पापा के कातिलाने ढूंढ और सजा दिला उन्हें। तेरे पापा और मेरे सिंदूर दोनों को इंसाफ चाहिए जो तू हमें दिलवाएगी। कूल तेरे पापा की खून ते सनी वर्दी जब घर आई तो उसकी जेब में से यूं मिला। जरूर उस हत्यारे की ही होगी। जी,
मीत बहू, मुझे तुम कोर्ट में केस को रीओपन करने जा रही हो, उसके लिए जो सबूत इकट्ठा किए उसे ठीक से संभाल के रखे ना तुमने। जी चाचा जी, वो सबूत है पापा की अर्दली, मोहनलाल चाचा। उनका बयान ही सबूत है और हम अभी उन्हें ही लेने जा रहे हैं। वो हमारा इंतजार ही कर रहे हैं, सेक्टर नंबर 30 के पास मिलेंगे, उन्हें लेके हम सीधा वकील के पास पहुंच जाएंगे, जो भी आप बताएंगे, और उनका बयान लिखवा देंगे। ठीक है, तब तक मैं अच्छे से वकील से बात करके रखता हूँ। जी मीत जी। अरे एक मिनट रागनी, ये शक्कर नहीं खिलाओगे? अच्छा वही लेके आओ। कविता जी देखे, बधाई हो सर जी, आपका काम तो निपट गया, टाइमिंग एकदम सटीक टाइमिंग, और तोते की तरह बकने को तैयार उस सरदली को जगह पे ही ऐसा उड़ा दिया कि उसका ट्रांसफर सीधा वहां हो गया जहां बहुत पहले होना चाहिए था, सीधा परलोक। गुड बाय मोहनलाल, गुड बाय। हवा सिंह के होते हुए कोई आप तक पहुंच ना पाएगा सर जी। अरे गले लगा के कुछ थैंक यू तो बोलिए सर जी। एक गलती की सजा आज तक भुगतता आ रहा हूं, इसलिए हम दोनों एक दूसरे को बचाते चले आ रहे हैं। यो शुभ काम हम आगे भी करते रहेंगे सर जी, आप हमारी पीठ ढकिए, हम आपकी पीठ ढकते रहेंगे। आखिर हम दोनों को जोड़ने वाली कड़ी अशोक हुड्डा की मौत ये तो है। दिन जब तेज बेहोश था और उसे होश आने वाला था तो मैं बहुत डर गया था, कहीं से होश आते सब कुछ याद ना आ जाए, सबके सामने सच ना बोलते, इसलिए मैंने उसे इंजेक्शन देने की भी कोशिश की, कि नैन वक्त पर वहां मीत और मीत बहू आ गए और मुझे निकलना पड़ा। फिर मैंने कुछ गुंडों को भेजा, अरे कुछ देर के लिए सही, वो तेज को अगवा कर गया। और यहाँ आपकी लाडली मीत बहू की एंट्री हुई, वो गुंडों से उगलवाने ही वाले थी कि किसने उन्हें भेजा, इससे पहले कि आपकी पोल खुल जाती अपने ही जोड़ीदार ने अपनी जोड़ी टूटने ना दी। सर जी बचा लिया आपको। सुन, बाहर जा और हथकड़ी लगा दे उस मीत को, पुलिस वाले की बाइक चलाने के जुर्म में, और लाके डाल दे सीधा लॉकअप में। जी साहब जी। अब आएगा मजा, जब मीत हुड्डा होगी जेल की सलाखों के पीछे, वो भी 2 साल। ओके कहते हैं इंसान को अपने गुस्से पे काबू रखना चाहिए। साहब जी ले आए मीत ने, और गाड़ी चलाने का आरोप भी लगा दिया। सर गुड मॉर्निंग। आ
बाहर जा और हथकड़ी लगा दे उस मीत को, पुलिस वाले की बाइक चलाने के जुर्म में। मीत, तुम घर जाओ। मीत, अभी कोई सवाल नहीं, सिर्फ हाँ या ना सर हिलाकर जवाब दे। तुम उस पर ट्रस्ट करती हो? तो घर जाओ, जाओ। तोड़ रहा मैं। मीत, तुम्हें मेरी कसम है, मुझे अच्छी तरह से मालूम है मैं क्या करूं। मैं तुमसे घर पर बात करूंगा, तुम अभी घर जाओ, घर जाओ। तेरा नाम मीत है? हाँ, मेरा नाम मीत है। तू बड़ा हीरो बना है ना, चल तेरा भी तेरी सारी हीरोगिरी निकालता हूँ, खाने चल के। झूठी बयान के रास्ते पे ठेका पड़ता है क्या? इस मीत और उस मीत में कोई फर्क ना दिखाता नहीं। अरे वो छोटे छोटे बालों वाली लड़के जैसी दिखने वाली लड़की, अरे वो छोरी अशोक हुड्डा की छोरी है। अरे साहब जी, वहाँ कोई छोरी नहीं आती। अब सर शायद आपको कोई गलत फहमी हुई है, मेरी पत्नी तो घर पर है, वो तो ऐसा कुछ नहीं कर सकती। अच्छा? जी जी। ये तो बड़ी संगीन खबर सुना दी तूने, वो घर पर है। जी सर। और बाइक वाइक तोड़ना, ऐसा किसी को नुकसान पहुंचाना, डंडा उठाकर तोड़फोड़ कर, नहीं नहीं सर, मेरी वाइफ नहीं कर सकती ऐसा। क्यों ना कर सकती, हाथों में मेहंदी लगी है क्या जो डंडा ना उठा सके? मेहंदी? मेहंदी लगाई थी सर, नहीं मालूम, लेकिन दिल की बहुत अच्छी है सर, मासूम है, बहुत अच्छी है वो। ऐसा नहीं भाई, इतनी तो इज्जत ना करता मैं तेरी कि तू कुछ भी बक दे और मैं मान लूं। हाँ तो कोई बात नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपकी फोन करके अभी बात करा देता हूँ। अभी पता चलेगा कि तेरी बीवी गाय है कि शेरनी। सुन, जीप निकाल और इसके घर चल। चोरा सयाना और दीवाना दोनों होता लग रहा है, और वो भी पुलिस वाले के सामने। अब इसके घर जाके ही साफ साफ पता चलेगा तुम्हारी बाइक का मर्डर किसने किया। ना, अब ये ना कहना झूठ ना है, मैंने अपनी आंखों से देखा था इस लड़की ने पुलिस स्टेशन में। कब देखा? कोई सबूत, कोई गवाह है आपके पास? अपने वो कहावत सुनिए, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, और जब किसी ने देखा ही ना तो फिर कैसे मान लेगी मोर नाचा नहीं। और आपका कहना है कि मैंने वो बाइक तोड़ी, उसने जलाया, ठीक है, ये वजह थी ऐसा करने की? बाइक के साथ तो मेरी दुश्मनी होगी ना, तो फिर क्यों किया मैंने ऐसा? मैं जानता था कुछ ऐसी कहानी रचेगी तू अपने आप को बचाने के लिए। झूठ की इतनी बड़ी दीवार खड़ी कर दी है ना तूने, उसे बांध कर मैं तुम्हारे पास आ ही नहीं सकता। रावा सिंह आया है तो खाली हाथ तो ना लौटेगा। दीवार के इस पार यो मीत खड़ी है तो दीवार के उस पार वो मीत, और पति वो भी तो खड़ा है। मौका है वारदात पर वही तो मिला था हमें। मुझे अच्छी तरह से मालूम है मैं क्या कर रहा हूं, मैं तुमसे घर पर बात करूंगा, तुम अभी घर जाओ, घर जाओ। अंदर ला रे। भाई लॉकअप में, और किसी ने मुझे फोन नहीं किया और ना ही भाई को रोकने की कोशिश की। अरे अगर मैं यहाँ होती तो कुछ ना कुछ करके भाई को जाने से रोक लेती। स्टॉप इट मासूम, हम सब यहाँ इतना परेशान है और तुम उनके शोर पे शोर मचाए जा रही हो। क्या कर लेती तुम तो नहीं थी ना यहाँ पर,
खुद तो पार्लर गई थी। हाँ मॉम, तो खुद को पैम्पर करना क्राइम कब से हो गया? हाँ, मुझे क्या पता था कि मैं थोड़ी देर के लिए घर से निकलूंगी तो घर पे इतना बड़ा कांड हो जाएगा। सबको मैं ही बुरी क्यों लगती हूँ? किसी को दिखाई क्यों नहीं देता कि मैं इस घर के लिए कितने सारे सैक्रिफाइसेस करती हूँ? यहाँ तक कि अपने डुग्गू को भी सुनैना भाभी को देने को तैयार हो गई। माना मुंह फट हूँ, लेकिन जो भी बोलती हूँ, जो भी करती हूँ, इस फैमिली के भले के लिए करती हूँ ना। मिनिस्टर साहब हॉस्पिटलाइज्ड हैं, तो हम उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकते। डिस्टर्ब करना होगा राज, राज वो हवा सिंह है, आसानी से हमारे बेटे को नहीं छोड़ेगा, आप जानते हैं। कविता जी, मैं सब जानता हूँ, सब समझता हूँ, और मैं कोशिश तो कर ही रहा हूँ। राज, मैं अपने बेटे को जेल में नहीं देख सकती। परसों होली है, होली उसके बिना मनाएंगे क्या? मैं अपने भाई को फोन कर रही हूँ, वो मिनिस्टर है, वो मेरी हेल्प जरूर करेगा। कविता जी, आप उस शख्स को बिल्कुल फोन नहीं करेंगे। राज, मानती हूँ मेरे भाई के और आपके उसूल मेल नहीं खाते। पत्नी हूँ आपकी, इसलिए आज तक हर रिश्ते से ऊपर मैंने हमारा रिश्ता रखा। और अपने भाई से मैंने सालों से बात नहीं की, उसे कभी घर नहीं बुलाया, सारे रिश्ते तोड़ दिए उससे। आज सवाल मेरे बेटे का है। राज, अगर हमारे बेटे को जेल से निकालने में मेरा भाई हेल्प कर देगा तो क्या हो जाएगा राज? मैंने एक बार आपसे कह दिया कि आप उनको फोन नहीं करेंगी, मतलब नहीं करेंगी। मुझे उस आदमी से किसी भी तरह की मदद नहीं चाहिए। ओह नो, कहीं भाई के अरेस्ट होने के चक्कर में मेरे डुग्गू की कल होने वाली अडॉप्शन सेरेमनी ना टल जाए। कितनी मुश्किल से तो मैंने डुग्गू को मनाया है। भाई साहब, आप टेंशन मत लीजिए, मैं अपने लॉयर से बात करता हूं। मीत को बाहर लाने की जिम्मेदारी मेरी है। हो गई मन की शांति। अब शांति से स्टेटमेंट पे साइन करके कबूल कर दे कि तूने एक पुलिस वाले की बाइक तोड़ी है। सारी मेहनत तो मेरे ती कराएंगे। अपने हाथ पांव के साथ साथ जरा अपना दिमाग भी चला लो। जो मैंने कबूल कर लिया तो इस बात पर तुम और लग जाएगी ना कि आप सही हैं और मैं गलत। आप तो इतने सीनियर अफसर हैं, काबिल भी हैं, तो आपके पास प्रूफ तो होगा ना यो साबित करने के लिए कि आपकी बाइक मैंने तोड़ी है। फिर से कोई होशियारी कर रही है क्या? होशियारी? ना ना, कैसी होशियारी, एकदम सीधा से सवाल पूछ रही हूँ। बिना सबूत के आप मन ने या मेरे पति ने गिरफ्तार करना तो दूर की बात है, इतने रख भी ना सकते। मैं तो ना भूली और ना ही मैं अपने भूलने दूंगी। एक ईमानदार पुलिस अफसर अशोक हुड्डा का खून है मेरी रगों में। जितनी मेरे घर में आरती होती थी ना, उतनी कानून की बातें भी होती थी। सही सवाल करने थे ना, कभी पीछे ना हटूंगी मैं। और जो आपने मेरे सवाल का जवाब ना दिया तो मैं यो सवाल मीडिया में उठाऊंगी कि हवा सिंह जैसे एक सीनियर अफसर ने बिना किसी सबूत के एक निर्दोष आदमी ने लॉकअप में कैसे बंद करके रखा है। अब आप सोच लो कि मैं उंगली सीधी रखूं। सिंह और उसके पीछे खड़े लोगों का विनाश करने का तरीका ठीक हमारे सामने है। अमित, ये मतलब
कहते थे ना, बुराई पर उंगली उठाकर कोई फायदा ना होता। बुराई ने मिटाना है तो सिस्टम ने बदलना होगा, और सिस्टम ने बदलने के लिए पहले हमें अपने आप ने बदलना होगा, तब जाकर सिस्टम बदलेगा। पापा, कुछ लोगों ने सिस्टम में बुराई फैलाकर आपने हम ते छीन लिए, पर आपकी छोरी इस बात से डर के चुप ना बैठेगी। मैंने फैसला कर लिया कि यो इंसाफ की लड़ाई मैं सिस्टम के बाहर रह करना। मासूम, जरा बताना ये कैसे लग रहे हैं? इट्स ब्यूटीफुल, है ना? ये कड़े और ये बोरला, ये मैंने मीत बहू के लिए सेलेक्ट किया। अच्छा है ना? I'm really grateful to me. उसने जिस समझदारी से मेरे बेटे को लॉकअप से निकाला है ना, आई रियली वॉन्ट कि उसकी पहली होली में मैं उसे कुछ स्पेशल गिफ्ट दूं। ये कंगन मीना मीत के हाथ में बहुत खूबसूरत लगे। कहते हैं जिन हाथों में कड़ा होता है वो उन हाथों की शोभा के साथ साथ उस लड़की के अंदर की नजाकत, उसकी सौम्यता को दर्शाता। मॉम, ये कंगन तो वाकई बहुत डेलिकेट और एलिगेंट है, और इस बोरला का डिजाइन भी बहुत ब्यूटीफुल है, पर मीत भाभी ये कैरी नहीं कर पाएंगी। आई मीन इट्स नॉट हर स्टाइल। मासूम, ये बोरला तो हर औरत के माथे पर खूबसूरत लगता है। जो औरत ये बोरला पहनती है ना, कहते हैं वो हमेशा अपने परिवार का सर गर्व से ऊंचा रखती है। शांत हो जाइए। डैड, आप ऐसे चुप रहेंगे, आप कुछ बोलेंगे नहीं। डैड, मुझे किसी की कोई बात नहीं सुननी है, कोई कुछ नहीं बोलेगा। आज तेज और सुनाना डुग्गू को अडॉप्ट कर रहे हैं, और मैं किसी भी तरीके का कोई हंगामा नहीं चाहती हूँ घर में। मासूम जी, तुम अंदर चलो, बहुत तैयारियां करनी है, और तुम कपड़े बदल कर सीधे घर वालों की हेल्प करवाओ। डैड, एक बार बात तो सुनिए। डैड, एक बार सोच लीजिए। डैड, मीत भाभी, आपकी प्रॉब्लम क्या है? आपसे इस घर की खुशियां बर्दाश्त क्यों नहीं होती? जब भी इस घर में कोई भी खुशी की बात होती है तो आप जानबूझकर कुछ ऐसा करती हैं कि सबका मन खराब हो जाए। ऐसी ऐसी बदमाशियां करता था वो बचपन में। इतना बदमाश था हमारा डुग्गू, आज से उसकी सारी बदमाशियां भी आपकी और उसकी जिम्मेदारी भी आपकी। आज से आप डुग्गू की माँ कहलाएंगी। मासूम दी, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं माँ बनने वाली हूँ। फूफी डुग्गू जैसे प्यारे से क्यूट से बच्चे की माँ, आप देखिएगा, अब ना मैं खुद उसकी पेरेंट टीचर मीटिंग के लिए जाऊंगी, उसके सारे बुक्स, उसके शूज, उसके कपड़े सब कुछ शॉपिंग करूंगी। तेज और मैं ना उसे घुमाने लेकर जाएंगे, और हम हाँ सब कुछ करना बेटा, लेकिन ये तो बताओ कि तेजू कहाँ है? और कहाँ होंगे पापा जी, अपने होने वाले बेटे के पास ही होंगे। और तुम्हारा होने वाला बेटा कहाँ है? वो करूं,
घर चले जाता, बहुत भूख लगे। अरे तुम आओ, उधर तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे लिए परेशान हो रहे, तुम्हें कब से ढूंढ रहे हैं। सच्चे भैया? हाँ आओ हमारे साथ, चलो हम तुम्हें छोड़ देते हैं। थैंक यू भैया। काका इसने देखा है? नहीं बेटी, मैंने इस बच्चे को नहीं देखा, पर हाँ शहर में आजकल बच्चा चोर गिरोह घुस आया है। ये? और इसी इलाके में इसी हफ्ते 10 बच्चे चोरी हुए हैं और आज तक किसी का कुछ भी पता नहीं चला है। ये माता रानी, कहीं से गिरोह ने टुक्कू को किडनैप तो ना कर लिया? ठंडा बहुत ठंडा हो गया। भैया ये मुझे कार है, मेरे मम्मी पापा कार। चुप। मी? तेज मेरे होशियार जीजू, यहाँ पर जब लोगों से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर एक बच्चा चुराने वाला गैंग एक्टिवेट हुआ है, बस उन्हीं को धर दबोचने के लिए मीत ने ये प्लान चुना है। मीत, ये पकड़ो। और ये देख रही हो, ये कान के दिखने वाली मशीन जैसा डिवाइस है, बट एक्चुअल में ये एक GPS ट्रैकर है। इससे हमें तुमसे कम्युनिकेट करने में मदद होगी और हमें असल में पता लग पाएगा कि तुम कहाँ हो, तुम्हारी लोकेशन क्या है। पर साले साहब, मीत भाभी हम लोग करने क्या वाले? साउंड्स गुड बट डेंजरस। हाँ तुम दोनों को अपने प्लान पर पक्का भरोसा है? पक्के ते भी ज्यादा पक्का भरोसा है। उन बच्चा चोरों ने उनकी नानी याद ना दिला दी ना, तो मेरा नाम मीत उड्डाना है। और मुझे मीत पे पूरा भरोसा है तेजवीर, आप फिक्र मत कीजिए। जीजू भैया आप लोग समझ गए ना आपने क्या करना है। बॉस एक नया मुर्गा फंसाया, पागल लड़की। और कुल मिला के 11 बच्चे इकट्ठे कर लिए इसी इलाके से, और उस बच्चों के झुंड से ना इस बार काफी फायदा होने वाला है। 11 बच्चों के अंग को मार्केट में बेच के हम माला माल हो जाएंगे। बॉस बहुत खुश होगा, सुना है बॉस ने किसी खास आदमी को डील के लिए भेजा है। 11 करोड़ की डील होगी, समझे? ए, क्या कर रही है? तारी तेनी शाही तारी ती शाही तारी। अबे ये डिफेक्टिव माल कहाँ से उठा के लाए? अरे अपने को सिर्फ गिनती गिनने से मतलब है, पर क्या पड़ता है आम पके हैं या सड़े हैं, इसके भी अंगों का दाम उतना ही मिलेगा। ये भी सही है। क्या कर रही हो? डॉगी अबे चुप। ए शाने रुक, पहले मुझे मेरे बॉस से तो बात करने दे। पैसा ला ले।
पाजी, मैं आपको इज्जत पे इज्जत दिए जा रहा हूँ, आपको रास नहीं आ रही? तेरे को देखकर लगता था कि तेरे को धंधे के नॉलेज मालूम है ना आपको, हमारे काम में वक्त को मतलब है पैसा जी, जब वक्त और पैसा बर्बाद होता है ना मेरे को बड़ा खराब लगता है ना, मेरे अंदर से आग लगने लग जाती है। कर लो मालिक को फोन। मैं अपने मालिक को फोन कर लेता हूँ और मैं अपने मालिक को फोन करके बताता हूँ कि उसके खास बंदे पे यहाँ शक किया जा रहा है, फिर वो कर देगा प्लान कैंसिल। 11 करोड़ मैं रख लूंगा, 25 अपने आप रख लेना। बोलो। लेकिन थोड़ा छेती है, ये लाले से भी पूछ लेना। ए, तो नॉर्मल कॉल मत लगा, आजकल सरकार की नजर तेज है, नेट से कॉल कर। लग नहीं रहा। इधर मैं लगाता हूँ। रुक, तू कहाँ जा रहा है? बाजी, आज रात उन बच्चों को ट्राले में भर के ना पार्टनर के उस तरफ लेकर जाना है। आपको तो मालूम है ना हमारे कारोबार में नाम की कितनी अहमियत होती है। जबान नाम और जबान दोनों खराब हो जाएगा बाजी। ठीक है, चेक कर ले। वो पहले माल तो चेक कर लेंगे, पैसे तो यही पड़े, कौन भाग रहा है? चला तो बच्चों को जल्दी लेकर जाना है। नीत प्लान बिल्कुल करेक्ट जा रहा है, सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा सेट किया था। देखा पुलिस है। उड़े अंकल, क्या हो रहा है? असली डीलर तो हमें मिथांग तस्करी करने वाले असली लोग आ गए। वो क्या कर रहे हैं? रुक, क्यों चले गए थे बेटा पैसे? मैं बताता हूं, ये अपनी मां की वजह से घर छोड़ के गया था, और अगर ऐसी मां होगी तो दुनिया के हर बच्चे को अधिकार है घर छोड़ के भागने का। अम्मा जी, ये तुम क्या कह रहे हो शेर? सच कह रहा हूँ मासूम। वो सच मासूम जो तुम्हें बिल्कुल भी सुनना पसंद नहीं है और ना बोलना, इसलिए आज तुम्हारे सारे झूठ इन सब के सामने आना बहुत जरूरी है। इसका सबसे बड़ा झूठ कि इसने आप सबके सामने झूठी प्रेगनेंसी की बात की। ताकि तेज भाई और सुनैना भाभी को ये डुग्गू को गोद दे सके और उनकी सारी प्रॉपर्टी जब दुग्गू के नाम हो जाए तो असली मालकिन ये बन सके और राज करे इस घर पर। ये था इसका प्लान और इसी प्लान के लिए इसने दुग्गू को, तेज भाई और सुनैना भाभी को गोद देना चाहा, वो भी दुग्गू की मर्जी के बगैर। इसके लालच की वजह से छोड़ के गया था दुग्गू का। इतना कैसे गिर गई तुम मासूम?
इतनी पत्थर दिल माँ तुम कब बन गई? पैसों की लालच में तुमने अपने बच्चे की फीलिंग के बारे में भी नहीं सोचा।